નમસ્કાર, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાચારો સાથે હું છું ઝિંકલ. મહત્વના સમાચાર. વરસાદ લઈને સામે આવી રહ્યા છે. સમગ્ર રાજ્યમાં આગામી 5 દિવસ વરસાદની શક્યતા નહિવત છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં આગામી 5 દિવસ નહીં પડે વરસાદ. આ સાથે આગામી 24 કલાકમાં પડી શકે છે ક્યાંક ક્યાંક છૂટોછવાયો વરસાદ. અમદાવાદમાં રહેશે વાદળછાયું વાતાવરણ. મહત્વના સમાચાર. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે આગામી 5 દિવસ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં વરસાદની શક્યતા નહિવત છે. જો કે અમદાવાદની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં આગામી 24 કલાકમાં ક્યાંક છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. આ સાથે જ ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ થઈ શકે તે પ્રકારની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. વરસાદની વાત કરવામાં આવે તો સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં આગામી 5 દિવસ વરસાદની શક્યતા નહિવત છે. જો કે આગામી 24 કલાક અમદાવાદમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. એકાદ જગ્યામાં લાઇટ રેન હો સકતા હૈ આઇસોલેટેડ પ્લેસેસ મેં. और मोस्टली जो आज अगले 24 आवर्स के लिए सौराष्ट्र में भी आइसोलेटेड रेन हो सकता है. इवन गुजरात रीजन में भी जैसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात बनासकांठा साबरकांठा पाटन मेहसाना में भी आइसोलेटेड रेन हो सकती है. लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो अगले 5 दिन में गुजरात में ज़्यादा बारिश नहीं है. हार्डली रेनफॉल हो सकता है. 24 आवर्स में सौराष्ट्र में जैसे गिर सोमनाथ पोरबंदर जूनागढ़ जामनगर द्वारका कच्छ में आइसोलेटेड रेन हो सकता है. इवन राजकोट में भी हो सकता है. सौराष्ट्र कच्छ देखा जाता है. और गुजरात रीजन में बनासकांठा साबरकांठा साबरकांठा में होने का चांसेस अभी ज़्यादा नहीं है. बनासकांठा में हो सकता है, पाटन महसाना में, और नीचे साउथ गुजरात में वलसाड दमण दादरा नगर हवेली में हो सकता है. टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर मोस्टली 33-33 डिग्री सेल्सियस रहेगा. और अहमदाबाद और गांधीनगर में पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा. बारिश होने का ज़्यादा संभावना नहीं है. अहमदाबाद में भी पार्टली जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा और बारिश होने का ज़्यादा संभावना नहीं है. कहीं छुटपुट कुधर हो गया तो हो गया, बट सिस्टम कुछ नहीं है बारिश देने के लिए. जो हमारा पूरे में जो मॉइस्चर अभी इतना बारिश हो गया, मॉइस्चर पड़ा है, वो मॉइस्चर में कहीं लोकल ही हो जाएगा, बट सिस्टम बेस्ड रेनफॉल नहीं है और ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं होने का संभावना. अभी तक कितनी बारिश हुई है? अभी तक पूरे गुजरात में 769 मिलीमीटर रेन हुआ है. और गुजरात स्टेट एज ए होल में अभी फिलहाल आज तक में 33% एक्सेस है. और सीजनल रेनफॉल कंपेयर करेंगे तो ऑलरेडी सीजनल रेनफॉल क्रॉस हो चुका है, 11% एक्सेस है. ओवरऑल बारिश जा सकती है, ऐसा बोल सकते हैं मानसून जाने वाली? नहीं, अभी मानसून खत्म नहीं. बादल वो आपको बोलते हैं?